आइए दोस्तों, आज हम लोग एवरेज में मैथ्स के क्वेश्चन है, दो तो उनको लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन ठीक है मतलब थोड़ा क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे ना तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है क्वेश्चन को लगाने में। इस क्वेश्चन के लिए आपको करना कैसे होता है ये हम आपको सिखाएंगे एक नए तरीके से। तो इसमें जो एवरेज में हम लोग पहले जो एक क्वेश्चन ले चुके हैं स्टार्टिंग में, जब ग्रुप में कोई शामिल होता है तो सबसे पहला काम उसका होता है एवरेज को मेंटेन करना, दूसरा काम होता है बढ़ाना या घटाना, उसी पे क्वेश्चन लगाते हैं उसी टाइप से। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। किसी खिलाड़ी का 40 पारियों का औसत, 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है, यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है, खिलाड़ी के अधिकतम रन तथा न्यूनतम रन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, जैसे ये पीछे देख चुके हैं, अगर अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो पीछे का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो ये होता है कि जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता है, जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता है या ग्रुप से कोई बाहर होता है, ये दोनों के दोनों टाइप पढ़े हैं वीडियो में। तो जब भी कोई ग्रुप से बाहर होता है या शामिल होता है, सबसे पहला काम उसका होता है एवरेज को मेंटेन करना। पहला काम उसका होता है एवरेज मेंटेन करना, दूसरा उसका काम होता है एवरेज को बढ़ाना या एवरेज को घटाना। जब भी कोई ग्रुप में शामिल होता है या ग्रुप से कोई बाहर होता है तो पहला काम उसका होता है एवरेज को मेंटेन करना, दूसरा काम होता है एवरेज बढ़ाना या एवरेज घटाना। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं, लेकिन अगर एक बार आप पीछे का वीडियो निकाल के देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा हम इसका कहना चाहते क्या, मतलब क्या इसका है। तो आप एक बार ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोग क्लास में हैं। तो जब 10 लोग क्लास में और एक हम, तो टोटल हम लोग कितने हो जाएंगे, 11 लोग हो जाएंगे। तो हम 11 लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 50 रुपए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सभी लोगों के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। हमने बोला क्लास में 10 बच्चे और एक हम, यानी 11 लोग हैं। तो 11 लोगों हमने देखा सभी के पास कुछ ना कुछ पैसे, तो हमने क्या किया सभी के पैसे को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में हमने क्या किया, सभी ने बंटवारा कर लिया, तो यानी एवरेज को जो मेंटेन कर लिया, वो हमने देखा कि 11 लोगों ने एवरेज मेंटेन कर लिया 50-50। यानी अब इसका मतलब ये हो गया कि जितने हमारे यहाँ लोग हैं टोटल 11 लोग, सभी का एवरेज कितना है 50 रुपए मेंटेन है। अब एक व्यक्ति ग्रुप से जाएगा तो सबसे पहला काम क्या, उसके पास है कितना 50, तो 50 तो लेके जाएगा ना। लेकिन अगर वो मान लीजिए 50 ज्यादा लेकर आया था, 50 से ज्यादा लेकर आया था, तो वो ये एवरेज तो ले ही जाएगा, इसके अलावा उसका जितना मेरे यहाँ कम हो जाएगा ये भी वही लेके जाएगा। यानी जो व्यक्ति जाएगा वो जितना लेके आया होगा उतना लेके जाएगा। तो अभी उसके पास 50 है और वो मान लीजिए 50 ज्यादा लेकर आया, तो ये तो 50 ले ही जाएगा, इसके अलावा उसका जितना कम है, से मान लेते हैं कि वो रुपए लेकर आया था 60 रुपए, हम मान लेते हैं कि 60 रुपए लेकर आया था, तो लेकिन अभी तो उसके पास 50 रुपए निकलेंगे ना, अभी उसके पास कितने निकलेंगे 50 रुपए, लाया कितने था 60, तो उसका 10 कम पड़ रहा होगा। तो जब एक व्यक्ति चला जाएगा तो बचेंगे कितने ग्रुप में, 10 लोग बचेंगे। तो ये 10 लोग 1 रुपया कम कर देंगे, अपना अपना 1 रुपया देंगे, तो मेरे यहां जो होगा 1-1 रुपया कम हो जाएगा। तो 1 रुपया कितने लोगों का कम हुआ होगा, 10 लोगों को, 10 लोगों का 1-1 रुपया कम हुआ होगा, यानी 10 रुपया ये ले गया 50 ये ले गया, तब जाके 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ग्रुप में आपके साथ शामिल तो हैं, लेकिन जब हम ग्रुप छोड़ेंगे तो जितना हम लेके आए हैं उतना हम लेके जाएंगे। यानी जो मेरे पास होगा, यानी जो मेरे पास होगा कहने का मतलब क्या, एवरेज, यानी एवरेज तो हम ले ही जाएंगे। इसके अलावा मेरा अगर और कम पड़ रहा तो क्लास में जितने लोग बचेंगे उन सभी से हम इकट्ठा करेंगे, तो उन सभी से इकट्ठा किया वो और जो मेरे पास एवरेज था, ये दोनों दोनों कौन ले जाएगा, जो ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन लगाएंगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं तब बात करते हैं, आप क्वेश्चन पे आइएगा समझिएगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसकी 20 पारी है, कितनी पारी है बेटा 20 पारी है,
और उसकी 20 पारियों का औसत है 40 रन, 42 रन ले लेते हैं। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसकी 20 पारियों का औसत रन कितना है 42, ठीक, 20 पारियों का औसत रन कितना है 42। अब ये तो नहीं है कि उसने 20 पारी खेली है तो ये जरूरी नहीं है कि उसने 20 की 20 पारी में एवरेज बनाया है 42, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर पारी में 42 बने होंगे। कहने का मतलब ये उसने अगर 20 पारी खेली है तो जरूरी नहीं कि उसने हर पारी में 42 रन ही बनाए हो। इसका मतलब ये कि किसी पारी में 42 से ज्यादा बने होंगे रन, किसी पारी में 42 से कम भी बने होंगे। तो जितनी उसकी पारी है कितनी 20, इसका मतलब 20 पारी में कोई एक पारी ऐसी भी रही होगी जिसके सबसे ज्यादा रन बने होंगे और कोई एक पारी इस टाइप की भी होगी जिसमें सबसे कम रन बने होंगे। 20 पारी खेली इसका मतलब कोई ना कोई तो पारी ऐसी होगी जिसके सबसे ज्यादा रन होंगे और एक पारी ऐसी भी होगी जिसके सबसे कम रन होंगे। यानी उन दोनों को अगर हटा दिया जाए, उन दोनों का अगर डिफरेंस देख लिया जाए, अधिकतम और न्यूनतम का अगर हम अंतर देने मान लेते हैं, हमने आपको अंतर दे दिया 80 दे दिया हमने, कितना दिया हमने 80 दिया, बोला हमने इन दोनों पारियों घटा दिया, तो हमने भी बोला जो भी ग्रुप छोड़ेगा सबसे पहले क्या लेके जाएगा एवरेज, यानी 42 का एवरेज चला जाएगा। तो 42 की दो पारी निकलेगी, एक 42 की निकलेगी, एक 42 की निकलेगी, और जैसे ही दो पारी हटा देंगे तो एवरेज मेरा रह गया 40, पहले 42 था, अब 40 रहेगा, कितना कम हुआ 2, पारी कितनी थी 20, दो पारी हट जाएंगी, पारी बचेंगी कितनी 18, तो 18 यानी 36 ये हो जाएगा। ये सब इकट्ठा कर लेंगे, और ये सब हो क्यों रहा है दो पारियों वजह से, दो से डिवाइड मार देंगे बस ये मेरा मैक्सिमम स्कोर आ जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या उसकी बात करते हैं। ये तो हमने मोटे तौर पर थोड़ा सा समझ लिया है, आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने ये लिया है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। हमसे बोला गया किसी खिलाड़ी का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत रन कितना है 50, किसी खिलाड़ी का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत रन 50 है, उसके द्वारा अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 अधिक है, यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों के औसत 48 रन है। तो कह रहा खिलाड़ी का अधिकतम और न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। हमसे बोला जा रहा कि एक खिलाड़ी है, उसकी कितनी पारी है 40, और उसकी 40 पारी में जो एवरेज मेंटेन किया गया वो कितना बेटा किया गया 50। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसने अपनी 40 पारी खेली और 40 पारियों का जो एवरेज मेंटेन कर रहा है वो कितना मेंटेन कर रहा 50 मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसने 40 की 40 पारी 50 रन बनाए हो, हो सकता किसी पारी में उसने कम रन बनाया, हो सकता किसी पारी में अधिकतम रन बनाया हो। यही लाइन यहाँ पे कह रहा है उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। मतलब वो उसका कहने का मतलब ये है कि उसने जो पारी खेली है, जो सबसे ज्यादा जिस पारी में रन बनाए हैं और एक में जिसमें सबसे कम रन बनाए, उन दोनों का अंतर देख लिया जाए तो 172 रन है, और जो अंतर दिया गया 172 का इसको हम पहले से ही अलग रख लेते हैं। जो 172 का अंतर हमें अलग से दे रहा है कि इतना डिफरेंस है, उसको हम पहले से अलग कर लेते हैं। कह रहा है कि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, कौन सी दो पारियां निकालेगा, अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली, जो मैक्सिमम खेली थी वो और जो न्यूनतम खेली है, इन दोनों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। मतलब पहले एवरेज था 50, पहले का एवरेज मेरा कितना था 50, और बाद में जब निकाल देगा दो पारी तो उसका एवरेज रह जाएगा 48। 40 पारियों का औसत 50 है, अधिकतम न्यूनतम का अंतर 172 है, अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो एवरेज 48 रह जाता है। तो कह रहा है कि उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी ज्ञात कीजिए। तो जब भी ग्रुप कोई छोड़ता है सबसे पहले एवरेज उठाता है, पारियां कितनी हटाएंगी 2, यानी 50-50 की दो पारी जाएंगी, 50-50 दो पारी जाएंगी, मतलब 100 और आएगा। 172 ने पहले रख लिया था, उसके बाद जब जब दो पारियां हटाएंगे तो सबसे पहले जो भी जाता है क्या लेके निकल जाता है एवरेज लेके निकलता है, यानी 50-50 दो पारियां आएंगी कितना और आएगा 100। पहले एवरेज कितना था 50, अब कितना रह गया 48, कितना कम हुआ है 2, पारी पहले थी 40, दो पारी हट गई, पारी बची कितनी 38, तो ये दो दो कितनी पारियों कम होगा 38 पारियों में,
दो दो कम होगा 38 पारियों, यानी 76 और कम हो गया। जो ग्रुप छोड़ गया वो 50 50 दो पारी ये ले गया और 76 ये और ले गया, तो कितना इकट्ठा हुआ है? इसको इकट्ठा कर लीजिए, ये 8 और ये 7 14 4 असल 1 और ये कितना 348। और जो ये 348 है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहे कि हम पारी कितनी हटा रहे हैं, दो पारियां हटा रहे, इसी दो पारियों वजह से कितना हट रहा 348। तो दो से कर देंगे हम डिवाइड, तो दो से जैसे डिवाइड करेंगे तो मेरा आ रहा होगा दो एक और ये कितना 7 और ये कितना 4, तो ये मेरा आएगा, ये मेरा आएगा अधिकतम रन। ये क्या आएगा बेटा मेरा? अधिकतम रन आ जाएगा। ये मेरा हो गया क्या? अधिकतम रन। हमसे कह रहा है कि न्यूनतम रन बनाओ, तो अधिकतम तुम्हारा निकल आया, कितना आया 174। हमसे क्वेश्चन और पूछा गया, कह रहा न्यूनतम रन बताओ, तो ये बात तो क्वेश्चन हमसे पहले ही कह चुका है कि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना था 172, तो इसमें से 172 हटा दो तो बचा कितना 2, ये उसका आ जाएगा न्यूनतम, ये उसका क्या आ जाएगा न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम देखो इनमें अंतर कितना है 172 है, ये हो गया अधिकतम स्कोर, ये हो गया उसका न्यूनतम स्कोर, एक आंसर मेरा ये हो जाएगा और एक आंसर मेरा ये हो जाएगा। इसी टाइप से हमने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, आइए उसको समझते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसकी 30 पारियों का औसत रन कितना है 40। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसकी 30 पारियों का औसत रन 40 है, हमसे बोला जा रहा है कि उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है, यानी उसने जो पारियां खेली है जो सबसे हाईएस्ट वाली और सबसे मिनिमम वाली उन दोनों का डिफरेंस 100 है। ये डिफरेंस हम पहले ही उठा कर रख लेते हैं, कितना हो गया 100। कह रहा है इन दोनों को शामिल न किया जाए, जब इन दोनों को शामिल न किया जाए इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यानी पहले मेरा एवरेज कितना था 40, अब 28 पारियों का मतलब जब दो पारी हटा देगा तो 28 पारियों का नया एवरेज जो आ रहा वो आ रहा 38, कितना आएगा 38। तो हमसे बोला जा रहा कि उसका अधिकतम स्कोर ज्ञात कीजिए और उसका न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये समझिए आपकी 30 पारियों का एवरेज कितना दिया गया 40, सबसे अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना दिया गया 100। 100 हमने पहले उठा कर लिया, जो डिफरेंस है वो पहले उठा के अलग कर देंगे। कह रहा 30 पारियों का औसत कितना है 40, दो पारियां हटाई जाएंगी, जो भी ग्रुप से छोड़ता है वो सबसे पहले क्या लेके निकलता है एवरेज, यानी 40 40 कितनी पारी जाएंगी दो पारी जाएंगी, 40 40 की मतलब 80 और आ जाएगा मेरे पास। और कह रहा है एवरेज मेरा कितना रह जाता है 38, पहले एवरेज कितना था 40, अब एवरेज कितना हो गया 38, तो एवरेज कम कितना हुआ 2, कितना कम हुआ है 2। पारी पहले कितनी थी 30, जब दो पारी हटा दी गई है तो पारी बचेंगी कितनी 28, तो जो दो दो स्कोर कम होगा वो कितनी पारियों होगा 28 का, क्योंकि पारी मेरे यहाँ थी 30, 30 में दो पारी चली गई है, अब जो पारी बची होगी कितनी पारी 28, इन्हीं 28 पारियों का दो दो कम हो जाएगा, यानी 28 इंटू दो कितना होगा 56। दो पारी निकालने की वजह से देखो कितना होगा, 100 तो पहले चला गया, 40 ये गया, 40 ये गया, यानी दो पारी हटी और 56 ये चला गया, इतना आया। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 236। ये इतना सब जो इकट्ठा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ दो पारी की वजह से हो रहा है, तो ये दो पारी का स्कोर कितना है बेटा 236। तो हम क्या करेंगे, दो पारी का एवरेज दिया गया 236, तो दो से लगा देंगे डिवाइड, तो मेरा आ जाएगा 118। और ये हमेशा आता है अधिकतम स्कोर, ये हमेशा क्या आएगा अधिकतम स्कोर, ये अधिकतम स्कोर उसका आ जाएगा। तो अधिकतम स्कोर पूछा गया तो आंसर क्या लग जाएगा 118, ये मेरा आंसर आ गया। एक और हमसे क्वेश्चन कह रहा, बोला न्यूनतम स्कोर बताओ, तो हमसे पहले ही पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100, तो इसमें से हम क्या करेंगे 100 हटा देंगे, अब बचेगा कितना मेरा 18 बचेगा, तो ये मेरा आ जाएगा कौन सा न्यूनतम स्कोर, तो न्यूनतम स्कोर उसका आ जाएगा 18 और अधिकतम स्कोर कितना आ जाएगा 100। इस टाइप से हमने दो क्वेश्चन लिए हैं, इस इन दोनों क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू चलाइएगा, फिर से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन ठीक है। अब लगभग लगभग एवरेज मेरा खत्म होने वाला है, अब हम लोग आगे अगर कुछ बचा हुआ तो आगे वीडियो में आएगा, नहीं तो फिर अगला नया चैप्टर आएगा। और इसका एक बार हम लोग पूरा डिटेल में अभी देखो संडे को सप्ताह लाइव आएंगे या किसी दिन आते हैं, तो उसमें क्या करेंगे एवरेज का
शुरू से लेकर के आखिरी तक का एक क्वेश्चन लेंगे, कोई पीडीएफ टाइम में लेंगे, इसपे लाइव आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक पीडीएफ लेंगे उसमें पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे, एक डेढ़ घंटे लगेगा उसमें पूरा एवरेज कंप्लीट हो जाएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। टाइप इतने हैं वो हमने करवा दिए, अभी थोड़ा बहुत कुछ और बचा होगा तो वो भी आगे वीडियो बना के डाल देंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। चलिए ठीक।